उज्जैन जिले के बड़नगर में निजामुद्दीन और वैद परिवार में अभी तक 14 व्यक्तियों को कोरोना पॉजिटिव मिले, इनमें से 3 बच्चे। नगर में अभी तक 2,825 व्यक्तियों की स्कैनिंग की गई और 7 व्यक्तियों का सैंपल भेजा गया। यह चिंता का विषय बना हुआ था। प्रशासन द्वारा सभी को जांच कराने पर उनमें से 14 लोग पॉजिटिव मिले। वैद परिवार के अन्य परिजनों का आइसोलेशन में रखा गया है। आगामी सूचना मिलने तक बड़ नगर में कर्फ्यू लगा रहेगा। प्रशासन ने पूरे नगर को आर्मी के सुपुर्द कर दिया है। साथ ही प्रशासन ने नगर के और तहसील के नागरिकों से अपील की है कि वो अपने घरों में ही सुरक्षित रहें। नगर में कर्फ्यू के दौरान बाहर न निकले। SDM एकता जायसवाल, थाना प्रभारी दिनेश प्रजापति, वैद परिवार से संपर्क में आए व्यक्तियों की लिस्ट बनाकर उनसे संपर्क कर उनके सभी को आइसोलेशन में रखने की प्रक्रिया तेज कर दी है। बड़नगर से शांतिलाल परमार की रिपोर्ट। 2020 तक कोरोना संक्रमण की जांच के लिए 98 संदिग्ध लोगों के सैंपल जांच हेतु भेजे गए। लैब रिपोर्ट की जानकारी के अनुसार आज दिनांक तक सैंपल की रिपोर्ट प्राप्त हुई है 46। आज दिनांक तक पॉजिटिव आए केस हैं 14, जिसमें से एक निजामुद्दीन का रिपोर्ट सैंपल उज्जैन द्वारा भेजा गया था। आज दिनांक तक नेगेटिव आए सैंपलों की संख्या है 33। आज दिनांक तक कोरोना से मृत संख्या 3। आज दिनांक तक स्क्रीन किए गए लोगों की संख्या 2825 है। दिनांक 26/4/2020 को सिविल अस्पताल बड़नगर द्वारा भेजे गए सैंपलों की संख्या है 7। मृतों के नाम है राजकुमार, कुसुम, अरविंद और अभी प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रमोद जी वैद की मृत्यु सैलवी हॉस्पिटल इंदौर में हुई है। आज तक की कोरोना संबंधित ये जानकारी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।